एवरग्रीन रेखा की खूबसूरती के लोग आज भी दीवाने हैं। 69 की उम्र में भी रेखा बला के खूबसूरत लगती है। वही फिल्मों के अलावा रेखा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी खूब सुर्खियों में रही है। कभी अमिताभ बच्चन संग अपने अफेयर को लेकर तो कभी मिस्टीरियस लाइफ को लेकर वो किसी ना किसी वजह से खबरों में बनी ही रहती है। वही एक बार रेखा ने शादी को लेकर एक ऐसी इच्छा जाहिर कर दी थी जिसके बाद बवाल मच गया था। दरअसल एक वाकया में सिमी ग्रेवाल के शो के दौरान हुआ था। सालों पहले जब रेखा इस शो पर पहुंची थी तो उन्होंने प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ अपने पर्सनल लाइफ को लेकर भी कई सारे खुलासे किए थे। बातचीत के दौरान जब शो की होस्ट सिमी ने रेखा से उनके शादी को लेकर सवाल पूछा तो एक्ट्रेस के जवाब में सभी को हैरान कर दिया था। सिमी ग्रेवाल ने रेखा से उनकी दूसरी शादी को लेकर सवाल किया था। वो पूछती हैं कि क्या आप दोबारा शादी करेंगे, तो इस पर रेखा ने कहा किससे, पुरुष से। रेखा के इस जवाब पर सिमी हंस पड़ती हैं और कहती हैं कि जाहिर सी बात है आप किसी महिला से तो नहीं करेंगे शादी। ये सुनते ही रेखा हंसने लगती हैं और कहती हैं कि क्यों नहीं, मैं मन ही मन खुद से अपने प्रोफेशन से और अपने चाहने वालों से शादी कर चुकी हूँ। बता दें कि रेखा ने साल 1990 में बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल से शादी रचाई थी, लेकिन शादी के कुछ दिनों बाद ही मुकेश ने अपनी खुद की जान ले ली थी, जिसके बाद कई लोगों ने रेखा को इसका जिम्मेदार भी ठहराया था।